हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्ले स्टोर का कोई भी एप्लीकेशन हम डायरेक्ट अपने मेमोरी कार्ड में कैसे सेव कर सकते हैं। इससे होता यह है कि एक बार में इंस्टॉल कर लेने के बाद अगर कभी उसे अनइंस्टॉल करते हैं और दोबारा उसे अगर इंस्टॉल करना चाहे तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हमारे मेमोरी कार्ड में अगर पहले उसको सेव करके रखे हुए इस एप्लीकेशन को तो हम बिना इंटरनेट के भी उसे आसानी से सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन सर्च करना है जिसका नाम है सुपर बैकअप। तो पहले इसे हमें इंस्टॉल करना है। और कैसे हमें इस एप्लीकेशन का यूज करना है आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। इस एप्लीकेशन में हम फोटो, कॉल लॉग, एसएमएस जो भी है अपने मेमोरी कार्ड में आसानी से हम सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐप्स, एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स जो कुछ भी है इसे आप आसानी से अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को हमें कैसे सेव करना है। तो हमें ऐप्स पर आना है, उसके बाद में हमारे मोबाइल में जो कुछ भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगी। इनमें से अधिकतर मैंने प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया है। तो मान लीजिए कि हमें किसी एप्लीकेशन को अपने मेमोरी कार्ड में लेना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है इसे अपने मेमोरी कार्ड में सेव करके दिखाता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ एक बैकअप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आसानी से यह बैकअप मेमोरी कार्ड में हो जाएगा। तो पहले देखते हैं चेक करके कि वो सेव हुआ या नहीं। यहाँ पर उसका एक फाइल बन चुका है एसएमएस कॉन्टैक्ट बैकअप का, इस पर क्लिक करेंगे और चेक करते हैं कि वह आया या नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिक्स आर्ट एप्लीकेशन यहाँ पर मेरे मेमोरी कार्ड में सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, इसे आप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।